पहले सभी पत्रकार बंधुओं को राम राम, जय श्री कृष्णा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी हमारे छोटे भाई सुनील जोशी जी ने आपको हमारे जो योग पीठ बनाने का संकल्प हमने लिया उससे पूर्व हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं उससे आपको अवगत करवाया है। आप सभी मेरे परिचित हैं, मेरा आपसे मिलना रहता है, लेकिन आज आप हमारे छोटे से बुलावे पर यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हो। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, हमारी बहनें भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, और कुछ विद्वान जन भी हमारे बीच में, जैसे ढिल्लों साहब आए हैं, महाराज जी हमारे बीच में आए हैं। मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ, वह आपकी दीर्घ आयु की और स्वस्थ आयु की कामना करता हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो पत्रकार बंधु हैं, इनके बिना किसी भी अच्छे कार्य को पूरे संसार में प्रचारित नहीं किया जा सकता। हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज या जितने भी वेद शास्त्र, गीता, पवित्र गीता है, इनके उपदेश को प्रैक्टिकल रूप देने का आज तक किसी भी संस्था ने, मैं दावे से कह सकता हूँ, मैंने पूरे संसार में भ्रमण किया है, पूरे देश में भ्रमण किया है, हमारे सभी महान जन जो गीता और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज को प्रचारित और प्रसारित करते हैं, पर जो असल उद्यम है जिसका अगर हम अपने जीवन में पालन करें तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। और मैं एक भावनात्मक अपील आपके सामने करना चाहूँगा कि मेरी बात को केवल और केवल आप ये न लेना कि मैं किसी कारणवश आप सबको बुला के यहाँ पे, कोई मेरा निजी स्वार्थ है। मैं पूरे दिल से, हृदय से आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपने इस महान उपदेश को, संतों के उपदेश को जीवन में लागू किया, तो आप अपने साथ साथ पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे संसार का जो भविष्य है वो बदल सकते हो। तो उसी के कारण, उसी को मध्य रखते हुए, उसी पर्पज को लेकर, मकसद को लेकर, उद्देश्य को लेकर ये जो आयोजन आज आप सभी पत्रकार बंधु आए हो आपके बीच में करने जा रहा हूँ, वो क्या है कि सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जीवन क्या है, किसे कहते हैं आयुर्वेद। हमारे वेदों शास्त्रों ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्व ये रथ शरीरा। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने भी कहा है, पांच तत्व को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। अब ये पांचों तत्व जो हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे से मिलकर नहीं रहते। ये कैसे मिलते हैं? अध्यात्म कहता है इन्हें शब्द मिलाता है, नाम मिलाता है, भगवान की आवाज मिलाती है। इसीलिए वाणी में कहा गया है, शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द पया प्रकाश, सगल शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटाचे। जब ये पांचों तत्व मिलते हैं तो हमारे शरीर में तीन प्रकार की ऊर्जाएं पैदा होती हैं, और यह संसार भी उन तीनों ऊर्जाओं के कारण ही चलता है। तो कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं? पहली ऊर्जा को कहते हैं वात, दूसरी को कहते हैं पित्त, और तीसरी ऊर्जा होती है कफ। अध्यात्म में कहा गया है, रजगुण तमगुण सतगुण कई है, ये सब तेरी माया। ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण कह के इसको बखान किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश किया कि पूरा संसार इन तीन गुणों के कारण चलता है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? रज तम सत इति गुणा प्रकृति संभवा, कि ये प्रकृति, ये संसार तीन गुणों के कारण ही चलता है। और भगवान इन तीनों गुणों की जानकारी को विश्व की, संसार की, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जानकारी बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण?
परम भूवे प्रवक्ष्यामि ज्ञाननाम ज्ञानम उत्तमम यत यात्वा मुन्ने सर्वे परम सिदम इतो गता। कि जिस भी ऋषि मुनि ने, जिस भी महान आत्मा ने यह ज्ञान लिया, उसे परम सिद्धि प्राप्त हुई, दुखों से छुटकारा हो गया। यही बात गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं, तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, ताको बिघन न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। अब इस शब्द को अगर हम पूर्ण रूप में पढ़ें, समझें, तो गुरु साहब कहते हैं, काढ़ कुठार पित्त वात हंता, कहते वात पित्त कफ को बराबर करो। अगर शरीर का कल्याण करना है और अगर आत्मा का कल्याण करना है, औखद हर को नाओ, फिर हम प्रभु के नाम से, उस वाणी से, उस अनंत शब्द से जुड़ जाएं। लेकिन दुख का विषय जिसको लेकर मैं पूरे संसार में प्रचार करना चाह रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, वो ये है कि हम श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज को माथा टेकते हैं और कहते हैं, मेरा वैद गुरु गोविंदा। हम श्रीमद् भागवत गीता का पूरे संसार में प्रचार करते हैं, लेकिन जब शारीरिक कष्ट आते हैं, मानसिक कष्ट आते हैं या आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, तो हम कहाँ जाते हैं? हम केमिकल, ड्रग्स और पॉइजन जैसी जो औषधियाँ हैं, उनका सेवन करते हैं। इसलिए वाणी में कहा गया है, अमृत छाड़ बिखे बिख खाए। अब क्या है अमृत? संसारिक तौर पे क्या है, किस प्रकार जीवन को प्रबुद्ध करना है, कौन सा ज्ञान लेना है कि हम इन व्याधियों से ऊपर उठ जाएं? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदम तूते घ्यूतमम प्रवक्ष्यामि अनसुयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत यात्वा मोक्ष से ऐसुभात। कहते हैं अर्जुन, दुनिया का परम ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे गहरा ज्ञान, मोस्ट सीक्रेट ये है कि अपने आप को जान लो कि आप किस प्रकृति में, किस गुण में। यही बात श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आप पे आए मिले या सुखदाता। फिर आप क्या कहते हैं, आप न चीने बाजी हारी, अपने आप को पहचानते नहीं है और बाजी हार जाते हैं। अब यही बात हमारे आयुर्वेद ने कही है कि आप अपनी प्रकृति जान लो। क्या प्रकृति? कि आप रजगुण में हैं, तम गुण में हैं, सतगुण में है। जब आप जान लोगे तो आप इस संसार की प्रकृति को जानो, पेड़ पौधों को जानो, जड़ी बूटियों को जानो कि ये भी तीन गुणों में है, राजसी तामसी सात्विक। अगर आप रजोगुण में हो और राजसी भोजन खाते हो तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकोगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाबा होर खाना खुशी खवार, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। तो हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या इतना ज्ञान नहीं हम ले सकते? अगर हम ये ज्ञान ले लें तो 90% बीमारियों की रोकथाम उसी वक्त हो सकती है। लेकिन ना हम ये ज्ञान लेना चाहते हैं और ना ही हम ये ज्ञान देना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो राजसी भोजन खाएगा, कटु अमल लवण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन, जो रुक्ष भोजन खाएगा, ज्यादा पका के भोजन खाएगा, उसको ड्राई करके खाएगा, सूखी सब्जी जिसको कह सकते हैं हम, आहारा राज्य श्रेष्ठा, ये आहार कैसा है? राजसी लोगों का। इससे क्या मिलेगा आपको? दुख शोक कामे प्रदा, इससे आपको दुख आएंगे और शोक आएंगे और आप चिंता में चले जाओगे। तो क्या खाओ, कितना सुंदर लिखते हैं भगवान कृष्ण। लेकिन हम गीता रोज पढ़ते हैं, अभी हमारा गीता पर्व आ रहा है, गीता जयंती मनाएंगे, लेकिन भगवान का ये संदेश शायद ही कोई समझ पाए। अगर आपने इस शरीर को निहाल करना है तो ये संदेश, ये श्लोक आप घर घर पहुंचाओ। क्या कहा भगवान ने? आयु सत बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, कि अगर आप आयु बढ़ाना चाहते हो,
सुख लेना चाहते हो, प्रीत लेना चाहते हो, बलवान होना चाहते हो, रोगों से बचना चाहते हो, तो क्या खाओ? रस्या सनिग्धा सथिरा आहारा हृदय सात्विक प्रिया। कहते ये ऐसा आहार है जो आपके शरीर में स्थिर होकर आपको इन सभी दुखों से बचा के सतो गुण में ले जाएगा। तो हमें क्या खाना है? रसदार ताजे फल, ताजी सब्जियां, और साथ में क्या लेना है? घी, गाय का घी। ये बात श्री गुरु ग्रंथ साहब ने भी कही है कि गाय का घी खाना, घी खाना, संदिग्ध चीज खानी बड़ी पवित्र होती है। इसके बिना भोजन पवित्र नहीं हो सकता। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? इसी बात को गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहता है, अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता, लून, पंजमा पाया किरत ता होया पाक पवित्र। कि आपका भोजन जैसी आप किरत डालोगे, घी डालोगे, पवित्र हो जाएगा। लेकिन आज हमें कोई डॉक्टर साहबान बोल देते हैं कि घी नहीं खाना है, हम छोड़ देते हैं। लेकिन उसके पीछे भी कारण है कि हमारे सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट हो गई है। हमने शुद्ध घी और दूध वो लेके आना है। यदि हम शुद्ध देशी घी और दूध, फल सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन, जो शारीरिक जीवन है, इसको फलंत नहीं कर पाएंगे। मैं इस बात को अंतिम बात आपको कहते हुए फिर अगला जो हमारा योग पीठ का प्रारंभ करने जा रहे हैं उस पर हम आएंगे। गुरु नानक देव महाराज जी ने आरती लिखी, उसकी सिर्फ दो तुक हमारे जीवन को बदल सकती है। पहली कौन सी? कैसी आरती होवे पवखंडना तेरी आरती, अनहत्ता शब्द वजंत पेरी। अगर आत्मा का कल्याण करना है तो शब्द से जुड़ो, नाम से जुड़ो, अनहद वाणी से जुड़ो। और अगर शरीर का कल्याण करना है, क्या कहते हैं? धूप मल्याण लो पवन चवरो करे सगल बनराए फलंत ज्योति। कि आपकी जो ज्योत है शारीरिक तौर की, इसको अगर फलंत करना है तो कौन करेगा? वनस्पति, जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, जिनसे हम दूर होते जा रहे हैं। हम पता नहीं किस दौड़ में लग गए हैं कि अपने आप को भूल चुके हैं, उस प्रभु से भी और वनस्पति से भी और अपने आप से भी दूर हो चुके हैं। आओ उन सभी चीजों को किस प्रकार हम संसार में प्रचारित कर पाएं, किस प्रकार हम अपने जीवन में लागू कर पाएं, उसके लिए आपके अंबाला शहर में योग पीठ का एक स्थापना की जा रही है, जिसके पूजन पर, भूमि पूजन पर, जिसको हम अगर नींव पत्थर भी कहें, पर मेरा एक भाव था कि यहाँ पर सभी संत जनों के चरण पड़ने चाहिए। तो उसमें बहुत सारे महापुरुषों ने मेरा सहयोग किया, महाराज जी मेरे पास बैठे हैं, आपने सहयोग किया, और मेरा सभी संतों से इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि संतों ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस भूमि पूजन के अवसर पर हमारे परम श्रद्धेय ज्ञान देव जी महाराज, जो निर्मला अखाड़ा के परम पूज्य पीठेश्वर हैं, वो पधार रहे हैं। हमारे अंबाला से हमारे परम पूज्य महाराज ज्ञानानंद जी महाराज भी पधार रहे हैं। हमारे जूना अखाड़ा के जो प्रवक्ता भी हैं, सेक्रेटरी हैं, पूरे विश्व में जो भारतीय सनातन संस्कृति को पहुँचाने का काम करते हैं, आप भी पधार रहे हैं। यहाँ पर हमारे बहुत ही प्यार वाले, प्रेम वाले संत, जिनको मिलने से हृदय गदगद हो जाता है। अभी उन्होंने 700 बेड का हॉस्पिटल सांपला में बना रहे हैं। महाराज जी का नाम? कालिदास। महाराज कालिदास जी महाराज, वो भी यहाँ पे अपने चरण कमल रखने जा रहे हैं। बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में संतों का आगमन रहेगा अंबाला की धरती पर। इसके साथ साथ सचखंड श्री हरिमंदर साहब से, हमारे केसगढ़ साहब से, आनंदपुर साहब से, जितने भी गुरु घर हैं,
सबसे, कहीं से हेड ग्रंथी तो कहीं से जत्थेदार तो कहीं से हर प्रतिनिधि वहाँ के, वहाँ से बटाला से हमारे नेंग सिंह जो हमारी एक मिशल है उस जत्थेबंदी के हेड भी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो लगभग 150 के करीब हमारे जो सिख महापुरुषों महापुरुष है जो पूरी दुनिया में गुरमत का, गुरु नानक देव महाराज के उपदेश का प्रचार करते हैं और सनातन का प्रचार करने वाले दोनों हमारे जो महापुरुष हैं, लगभग 300 के करीब महापुरुषों का यहाँ पे आना रहेगा। मैं इसको कहूँगा, मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ी कृपा है अम्बाला वासियों पे और भगवान ने उसका माध्यम हमें बनाया, तो मैं इसके लिए कृतज्ञता का मैं जाहिर करूँगा अपनी। और ये कहूँगा कि ये तभी संभव होगा, इतना बड़ा मनोरथ जो है, अगर आप सबका सहयोग रहने वाला है। और एक बात पत्रकार बंधुओं के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप वैसे तो सारे मेरे पास आते हैं, सबको मैं जानता ही हूँ, जो नहीं भी आते हैं आप सबके लिए इस योग पीठ में एक आपको हम पत्र बना के देंगे, सभी परिवारों का हम फ्री इलाज करेंगे। पहले भी मेरे पास आते हैं लेकिन अब कोई भी किसी भी किस्म का इलाज होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूं, प्रकृति के पास इतनी ताकत है, आज अंबाला में नहीं पूरे विश्व में मेरा नाम उस भगवान ने फैलाया है। तो उसके पीछे कारण ये है कि मैं कैंसर, लीवर, किडनी, जिनको सब जगह से जवाब मिल जाता है, वो लोग यहाँ से प्रकृति से जुड़कर ठीक हो रहे हैं। और उसका कारण केवल और केवल प्रकृति का, गुरु साहबान का और हमारे ऋषियों मुनियों का, गीता, भगवत गीता का वो ताकत है जो लोगों को ठीक कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम अपने असल की ओर वापस जाएंगे, हम 100-200 साल से अपने असल को छोड़ के, प्रकृति को छोड़ के केमिकल की ओर बढ़ रहे हैं। मैं किसी का विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ, हर चीज़ अपनी जगह सही है भगवान ने जो बनाई है, लेकिन सच और जो उसके रूप होते हैं झूठे, उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है, उसको पहचाने, अपने जीवन को सफल करें। वह अभी मैं आपसे एक वो लेना चाहूँगा, आप सबसे एक जानकारी कि आप सब ये बताएं कि क्या ये जो प्ररूप हम अंबाला में लेके आना चाह रहे हैं, कुदरत का, गुरु साहिबान के उपदेश का, ऋषि मुनियों के उपदेश का, सच्चे उपदेश का, निस्वार्थ, तो आप सभी इसमें सहयोगी हैं। आप भी पारिवारिक तौर पे, पर्सनल तौर पे, जहाँ जहाँ पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं, वो तो मेरा बहुत सहयोग दिया है। क्यों मैं आपसे खुश हूँ, क्योंकि जब मैंने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, 3 लाख पेड़ जब मैंने लगाए अंबाला में, तो शायद ही कोई न्यूज़पेपर हो जिसने मेरी इसकी जो आपके अखबार में ना छपा हो। तो इसके लिए मैं आप सबको फिर से धन्यवाद भी करता हूं और साधुवाद भी देता हूं कि भगवान, जैसे पेड़ पौधे और अंबाला हरा भरा होगा, आपका भी जीवन हरा भरा हो जाएगा। आप सभी, क्योंकि मैंने आगे मेरा एक प्रोग्राम है, मैंने उसमें शिरकत करनी है, मजबूरी है, मेरी जाना है, तो 10 से 20 मिनट मैं यहाँ हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आप करना चाहो कि हम इस योगपीठ में क्या होगा, क्यों बनाने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का शरीर से जुड़ा या आपके मन में कोई शंका हो, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान आपके जीवन को मंगलमय करें, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जैसा कि वाणी में लिखा गया है, नानक नाम गुरु साहब का चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत दा पला, और वही ऋषि मुनियों ने ये कामना की है, सर्वे भवंतु सुखने सर्वे संतु ला। तो आप सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमित जी, आपने पेड़ जब लगाने की बात कही, उसके बाद भी जो है पूरी तरह उसका जो है रक्षा करने की बात कही, क्या जितने पेड़ लगाए गए क्या उनकी सुरक्षा हो रही है? जैसे आपने क्वेश्चन किया कि जो हमने पेड़ पौधे लगाए थे उनकी जो सुरक्षा है या उनको पालन पोषण वो कैसा हो रहा है, जहाँ जहाँ हमने अपने लेवल पे पेड़ पौधे लगाए उनका बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा हो रही है, बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण हो रहा है,
लेकिन कुछ पेड़ पौधे जो स्कूल्स में हमने लगाए, लगभग 30,000 पेड़ लगाए हमने गवर्नमेंट स्कूल में SDM और DC साहब से मिलके, उनकी जो देखरेख है वो अपने लेवल पे जो प्रिंसिपल और स्कूल वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, वहाँ हमारा जाना नहीं होता है। लेकिन तभी से हमने ऐसा किया कि अब हम पेड़ पौधे जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके या अपने लेवल पे लगाते हैं, जो पूरी तरह से प्रफुल्लित हो रहे हैं, और जिन्होंने भी उनको पाला है उनको हम एक बहुत बड़ा सेमिनार करके एक साल बाद उनको हम गिफ्ट भी देंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि प्रकृति के अंदर परमात्मा का वास है। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने प्रकृति को बहुत बड़ा मान दिया है। आपने कहा मैं पत्थर जहाँ पे अकेले वहाँ नहीं रहूँगा, बल्कि कहाँ रहूँगा, वृंदावन जो तुलसी का वन है। यही बात गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सात धरती पई हरियावली जिसे मेरा सतगुरु बैठा है। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर, योग पीठ इस तरह से कार्य प्रणाली क्या रहेगी, इस तरह से योग पीठ के अंदर पूरी तरह से ग्रंथ व धर्म उपदेशित कार्य किए जाएंगे। आप पत्रकार बंधु से मैं एक वादा करता हूं कि वहां पे एक भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो ग्रंथ में, जो वैदिक ग्रंथ जिनकी प्रमाणिकता है, जो वेद का मतलब आप सभी जानते हो विज्ञान है, अपने वेद का मतलब विज्ञान ही होता है, तो वैज्ञानिक आधार पर होंगे वो, किसी प्रकार का आडंबर, किसी प्रकार का पाखंड वहाँ पे नहीं होगा, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों के सच्चे संदेश को वहाँ पे लागू किया जाएगा, गुरु साहब के संदेश को लागू किया जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु साहब का उपदेश पूर्ण उपदेश है। आपने ग्रंथों की बड़ी बड़ाई की है, आपने कहा है चारे वेद होए सच्यार, आपने कहा चार पुकारें नातु माने सट भी एका बात बखाने, दस अष्टी मिल एको कहया तो भी जोगी भेद ना लेया, कि हमने वो भेद लेना है जो वेदों शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने ऐसा एक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिसके अंदर पूर्ण वैज्ञानिकता है, अगर हम उसका प्रचार पूरे संसार में कर पाए तो मेरा ये मानना है कि किसी प्रकार का कष्ट और क्लेश हमारे जीवन में नहीं रह सकता। जरूरत है तो उसके वैज्ञानिक भाव को अपने अंदर ग्रहण करने की है, भक्ति भाव को, श्रद्धा भाव को, लेकिन हम केवल और केवल दिखावा अगर करेंगे तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। जी, आपने पूछा कि इसमें सभी दलों के लोगों के आने की संभावना है, जैसे हमारे सेंटर से हमारे मिनिस्टर साहबान आ रहे हैं, राज्य उद्योग मंत्री व वाणिज्य राज्य मंत्री आ रहे हैं, इसमें लालपुरा जी आ रहे हैं, और बहुत सारे मिनिस्टर सेंटर से आ रहे हैं, हमारे हरियाणा सरकार से भी बहुत सारे मिनिस्टर आ रहे हैं, गृह मंत्री जी उपस्थित रहेंगे, MLA साहब उपस्थित रहेंगे, कांग्रेस के लोग उपस्थित रहेंगे, आम आदमी पार्टी के लोग उपस्थित रहेंगे। ये किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि ये पूरे देश का, पूरे समाज का, पूरे अंबाला वासियों की धरोहर बनेगी, मेरा ये मानना है। अभी ये साइकिल जमीन है, लेकिन वहाँ पे कोशिश ये है कि लगभग 30 एकड़ जमीन हो जाए। वहाँ पे जड़ी बूटियाँ तो संभव नहीं है कि बहुत सारी हों, लेकिन हम वहाँ पे ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो तुरंत रिजल्ट देती हैं, वो लोगों को बताने के लिए, किसानों को समझाने के लिए, कोई आधे एकड़ में, कोई दो कनाल में, कोई कनाल में लगाएंगे, ताकि लोग समझें और उसको जीवन में लागू करें। तो उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपके सभी के इनविटेशन कार्ड के ऊपर है, और ये घूंघट पैलेस के बिल्कुल साथ है। जी, और कोई क्वेश्चन? पतंजलि जैसी संस्था के सैंपल फेल हुए, केमिकल मिले और कुछ नहीं हुआ, ये सब राजनीति की आदत है। जी देखिए, मैं किसी के प्रति मेरा कोई दुष्भाव या किसी से प्रेम नहीं है, मैं तो एक ही सच बात कहना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे विश्वास करें ना करें वो आपकी सोच है, लेकिन मैं केवल और केवल प्रकृति की बात करता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे सामने ये बैठी है, बेटी बैठी है, आप आना, अच्छा आप लाइव चला रहे हैं,
मेरे अनुसार ये रजोगुण में है। इसका गुण क्या? रजोगुण। ये मेरे पास आएगी तो मैं इसको कहूंगा कि आपने राशि भोजन जैसे राजमा है नहीं खाना है। पंजाबी में कहते हैं ना, किसेनु मां बादी किसेनु स्वाद। मैं इनको कहूंगा कि आपके लिए निर्गुंडी बहुत अच्छी है, आप ये निर्गुंडी ताजी लें और निचोड़ के पी लें। जैसे हम केवल और केवल कथाएं सुनते हैं, जैसे आपने सुना होगा रामायण में लक्ष्मण जी को तीर लग जाता है तो कैसे ठीक होते हैं वो? जब ताजी हरी जड़ी बूटी लाके निचोड़ के तुरंत डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ताजी बूटी के अंदर पूर्ण रस होता है, पूर्ण गुण होता है। जब हम किसी चीज को सुखा लेते हैं, उसको उबाल लेते हैं, उसके अंदर वो गुण नहीं रहते हैं। इसलिए आप सीधा प्रकृति से जुड़ो, पेड़ से लो, पंसारी से नहीं। जब आप पेड़ से जुड़ोगे, प्रकृति से जुड़ोगे, तो किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं आ सकता, किसी प्रकार की वो दवाई नहीं है। वनस्पति दुनिया की सबसे उत्तम है, रस सबसे उत्तम है। हमारे वेदों में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है, यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद रस है। पानी लाया। क्या लिखा है? यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद रस है, सब रस उच्चते। कि सबसे उच्चा इलाज क्या है? ताजा रस पियो। फिर क्या लिखा है? देखो, आप जब ध्यान से देखोगे तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आप सिर्फ पेड़ पौधों के पास रह लो ताजगी, तो भी आप बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये सब ने कहा है। माता सीता जब चिंता में थी तो कहाँ रही थी? अशोक वाटिका। ऐ शोक की जहाँ रहकर आपको शोक ही नहीं रहेगा। तो हमारी सभी जड़ी बूटियों के नाम है, पुनर्नवा आपको दोबारा नया कर देगी। तो क्यों लें? अगर आप गुरु साहब का उपदेश सुनो, कीर्तपुर में जो पहली डिस्पेंसरी बनी, दुनिया की सबसे पहली, उसमें गुरु साहब क्या कहते थे? दिखाते थे जड़ी बूटियां। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे बाल होते हैं और नाखून, इनका पाचन नहीं होता है, मेटाबोलाइज नहीं होते हैं ये अंदर। लेकिन औरंगजेब ने अपने भाई को शेर की मूंछ का बाल खिला दिया ताकि वो अंदर ही उसके जाए, हृदय को छेद दे और वो मर जाए। जब वैद्यों ने कहा कि आपके साथ ऐसा हुआ, आप बच नहीं सकते, तो गुरु साहब के पास पेश हुआ और गुरु साहब ने कहा कि आप एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है बच बरेया और एक हर्ड जंगली, वो लो तो आप ठीक हो सकते हो। तो पूरे देश में उसने पता किया, उसको नहीं मिली तो कीर्तपुर साहब से दी गई और जैसे ही उसने ली वो अंदर ही पाचन हो गया और वो बच गया। लेकिन हम इनको सिर्फ कथाएं कहते हैं, जीवन में लागू नहीं करते। अगर जीवन में लागू करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो हम प्रकृति के साथ जुड़े। हम किसी के प्रति कोई क्या कर रहा है सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कितने पेड़ लगा रहे हैं, कितनी जीवन में जड़ी बूटियों को धारण कर रहे हैं और कितना अपने आप में जान रहे हैं। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम प्रैक्टिकल उससे जुड़े, अपने जीवन से जुड़े।